नमस्कार दोस्तों, कार एसी गैस फिलिंग किट मैंने मंगवाई है, अमेजोन से अवेलेबल हुआ है। ये अभी मेरे हाथ में जो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो उसका गैस का सिलेंडर है। जनरली R134A वो जनरली यूज़ होता है, लेटेस्ट अभी जितनी भी कार आती है उसमें वो गैस का जो है वो टाइप है, मतलब ये टाइप का गैस यूज़ होता है। ये 450 ग्राम का कैन है, ये कैन में जो क्वांटिटी है वो 450 ग्राम्स है। तो इसमें क्या है कि टॉप अप करने अगर जाऊँ तो बहुत सारी कार में टॉप अप कर सकता हूँ। अगर एक कार में अगर फिलिंग करना है तो पूरी बॉटल लगेगी, 5-10% जितना बच जाएगा जो दूसरी कार में मुझे टॉप अप के लिए काम में आ जाएगा। तो ये सिलेंडर है, ठीक है, R134A। तो ये 450 ग्राम से इसकी प्राइस है 575 रुपीस। तो मुझे उतना अमेजोन से अवेलेबल लोकल मार्केट में था नहीं, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। अब इसका जब मैं फिलिंग करूँगा कार में तो उसकी भी किस तरह से फिल करना है वो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस वगैरह लेनी नहीं है, तो वो भी मैं बता दूंगा। ये उसका प्रेशर गेज, ठीक है, LP और HP, जो रेड है वो HP शो करता है, और मतलब कंप्रेसर के बाद वाला जो प्रेशर है वो, और कंप्रेसर के इनलेट वाला जो है वो ब्लू गेज जो है वो रीड करता है। ये दो नोजल है, इसकी 500 रुपीज़ प्राइस है। ये दोनों कार के अंदर में जो HP LP लाइन जो रहती है उसके ऊपर बैठी हुई होती, और ये 290 का एक वाल है वो कैन के ऊपर लगेगा। ये तीन होस है पूरा, मतलब पैक में 3 होस रहता है, उसका 500 प्राइस है, मतलब ईच अगर पकड़ो तो 150 रुपये का एक पाइप है। तो ये 450-500 रुपये इसकी अलग अलग कॉस्टिंग भी, अगर आप मतलब ऑर्डर करते हो अमेज़न पे तो इसकी कॉस्टिंग, ये मेरे हाथ में जो है 500 रुपीज़ का बंडल है, वो ये गेज जो है गेज 500 रुपीज़ ईच पकड़ो तो 1000 रुपीज़ उसकी प्राइस होती है, 1100 रुपये के आसपास उसकी प्राइस है। और इसके नोज़ल के साथ अगर मंगवाते हो ये पाइप के साथ तो 1400 रुपीज़ उसकी प्राइस है। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, कोई टफलॉन टैप वगैरह कुछ लगाना नहीं है कनेक्ट करने के लिए, जस्ट स्क्रू कर देना है। ब्रास की निपल है और उसमें रबर की सील लगी रहती है, तो क्या है वो मतलब जैसे ही आप टाइट करोगे तो वो उसको लीकेज प्रूफ सीलेंट दे देता है, तो वहाँ पे लीकेज के कोई चांसेस रहते नहीं। इस तरह से तीन पाइप लगानी है। अभी तीन पाइप में से जो ये जो है बॉटल के ऊपर लगेगा ये वाल, तो बॉटल के ऊपर कनेक्ट करने से पहले वाल को ओपन कंडीशन में कर लेना है, क्योंकि उसकी जो सुई है वो बॉटल में चुभ जाएगी, तो बिठाने से पहले उसको ओपन कंडीशन में कर लेना है। ये पाइप जो है वो भी यहाँ पे भी जस्ट स्क्रू कर देना है, नथिंग एल्स, ऐसा स्क्रू करके उसको फिर बाद में उसके ऊपर जो बॉटल है बॉटल के ऊपर भी थ्रेड रहता है तो बैठ जाता है उसके ऊपर, है ना, क्लॉकवाइज थ्रेड ही रहता है, तो फुल टाइट कर देना है। फिर जो नॉब है नॉब को बंद करना है ताकि वो पंचर कर देगा बॉटल को, और फिर गैस उसमें से सप्लाई चालू हो सकती है, और जैसे ही नॉब को रिलीज़ करोगे तब। और ये दोनों जो अभी मैं जो इसका जो पैक तोड़ रहा हूँ, पैकिंग तोड़ रहा हूँ ना, वो इसकी जो रेगुलेटर है मतलब HP LP पे लगने वाली, उसके साथ ये पाइप के साथ कनेक्ट करनी है, तो एक HP में लगेगा एक LP में लगेगा, ठीक है। दो सिलेंड्रिकल टाइप का है, प्रेस टाइट रहता है, इसमें बॉल वगैरह रहते हैं, जैसे अपना गैस का LPG गैस का सिलेंडर के ऊपर में जैसा लगता है वैसे ही इसको लगाना होता है, कोई मतलब स्क्रूइंग वगैरह करना नहीं होता है। और ये पाइप जो है वो इसमें डायरेक्ट सीधी सीधी ऐसे बैठ जाती है, तो इसको भी ऐसे ही थ्रेड कर देना है। तो ये पूरी असेंबली इस तरह से रेडी हो जाती है। और इसका जब मैं गैस फिलिंग करूँगा तो मैं जैसे बताया कि मैं वीडियो बनाऊँगा, और आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ये किट है वो ज़रूरी है। तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो मैंने 1400 रुपये में पाइप और दो गेज ये असेंबली मंगवाई है, वो नॉब जो 290 रुपये का नॉब मंगवाया है बॉटल के ऊपर बैठने वाला, और जो HP LP गैस रेगुलेटर जो है जो कार के ऊपर में कनेक्ट करना है कार की पाइप के ऊपर में, वो वाला मुझे 500 में मिला है। तो टोटल 500 और 800 और ये 1400, तो कुछ 2200 रुपये का ये हो जाता है। और जो बॉटल का कैन जो गैस कैन जो मंगवाया है वो 575 रुपीज़ का है। ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रहा। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।